नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। बहुत जरूरी आप लोग को सूचना देनी है, और कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे जो लगातार एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आता है, या फिर आप बोल सकते हो कि उसके विज्ञापन जारी नहीं होते हैं या एग्जाम की डेट नहीं आती, तो निराशा हाथ लगती है। लेकिन इन बिटवीन आपकी अब सारी ही समस्याएं दूर होने वाली हैं। और अभी जो आपके सामने मैं खबर लेके आया हूँ, क्योंकि आपको पता है जब मैं कोई चीज़ लेके आता हूँ तो बहुत सॉलिड जानकारी होती है, तभी मैं आपके सामने कोई चीज़ लेके आता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और से कर लीजिएगा। खबर क्या है उस चीज़ को मैं बताता हूँ, थंबनेल आपने देख लिया होगा। अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात किया जाए तो यहाँ से लगभग बच्चों 7,000 वैकेंसीज ऐसी हैं लगभग की जो फंसी हुई हैं। क्यों फंसी हुई हैं आप लोग को भी पता है, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि उनकी जो समकक्षता है वो आधारित अभी जो उस पर विवाद चल रहा है, वो शासन के द्वारा उस पर फाइनल ऑर्डर मिला ही नहीं है कि हाँ भाई इस पे समकक्ष इसे माना जाए या ना माना जाए। ऐसी बहुत सारी वैकेंसी है, जैसे एलटी ग्रेड है, जैसे आरओ एआरओ है, और एक बहुत अच्छी वैकेंसी आपके लिए और आने वाली है जिसे एपीएस की बात करेंगे, लगभग 700 के करीब इसके भी पद हैं। तो अगर देखा जाए तो कुछ जो कुछ वैकेंसीज हैं वो आपकी इन्हीं समकक्षता के कारण, अहर्ता के कारण, क्या है एलिजिबिलिटी के कारण, कुछ में समकक्षता का इशू है, किसी में अहर्ता का इशू है, जिसके कारण से अभी रुकी पड़ी हुई है। उनमें से कौन कौन वैकेंसीज हैं सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, फिर मैं पूरी खबर बताता हूं। एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी आपके लिए आने वाली है यूपीपीएससी से, आरओ और एआरओ, जिसे आप समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी समझते हो। दूसरा, यूपीपीएससी का एक बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है एपीएस, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, यह आपका आना है सहायक निजी सचिव का। ये आपका स्टेनो बेस्ड होता है, मैं आपको बता दूं ये आपका स्टेनो बेस्ड जॉब होती है। इस पर कंप्लीट जानकारी आपको एक अलग से वीडियो में दी जाएगी, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत अच्छे पद है स्टेनो वाले, बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त मौका आने वाला है, ठीक है, यूपी पीएससी की बात कर रहे हैं। और तीसरा है आपका यूपीपीएससी, हालांकि ये एलटी ग्रेड, इसकी बात करेंगे। और ये वैकेंसी अभी बात में ये हो रही थी कि अभी जो आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित होने के बाद एलटी ग्रेड आपका उसमें चला जाएगा, तो इस पे ये विवाद है। बट ज्यादा चांस है कि इस बार आपका जो एलटी ग्रेड है वो कौन करवाएगा, वो आपका पीएससी ही करवाएगा, मतलब पीसीएससी करवाएगा, पब्लिक सर्विस कमीशन ही करवाएगा। और ऐसे कुछ और भी पद हैं जो मिला के आपके टोटल 6900 से लेकर 7000 पद हो रहे हैं। इनमें मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि इनमें मैं आपके यूपीपीएससी के जो प्रीलिम्स में इन परीक्षाओं की बात नहीं कर रहा हूं, ये मेन जो प्रमुख परीक्षाएं हैं यही हैं, जिसमें से जो कंफर्म पद मैं आपको बता दूं लगभग एपीएस के 700 प्लस पद आपके एपीएस के आने वाले हैं। अब आप उम्मीद लगा सकते हो कि अगर 700 ये बोलूं तो आरओ एआरओ और एलटी ग्रेड के काफी संख्या में पद आपके आने वाले हैं। तो एक यहां से आइडिया हमें यह लग रहा है कि इस बार आरओ यारो की वैकेंसी भी बहुत अच्छी आने वाली है। और कब तक आएगी ये अभी हम अब इस खबर को पढ़ते हैं तो समकक्ष आता स्पष्ट ना होने के कारण, अभी आप इसे पढ़ो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कई महत्वपूर्ण भर्तियां अटकी हुई हैं। आयोग की ओर से कई बार पत्र भेजे जाने बाद शासन स्तर से जल्दी इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। अर्थात स्पष्ट होते ही एक साथ कई भर्तियां आएंगी, इनमें 2-3 माह तक वक्त लग सकता है। मतलब कि आने वाले आपके जो 2 महीने हैं इसमें आपको एकदम वैकेंसीज पे वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। एक चीज मैं आपको और बताऊं कि जो आगामी वर्ष है वो चुनावी वर्ष है, और चुनावी वर्ष में बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। इसमें यूपीपीएससी से भी, यूपी ट्रिपल एससी से भी, इसमें अगर देखा जाए शिक्षक भर्ती की भी बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने की मिलेगी, उत्तर प्रदेश राज्य में भी, इवन केंद्र में भी। तो जो बच्चे यूपीपीएससी में इन पदों के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक एपीएस बहुत अच्छा पद आ रहा है, 700 से ज्यादा पद है इसमें, जो कंप्यूटर टाइपिंग, स्टेनो, और फिर आपकी एलिजिबिलिटी भी बहुत आसान है, तो बहुत बहुत कंपटीशन में बहुत बेहतरीन होने वाला है। जनरल आपका आरओ वाला पैटर्न नहीं होता है, इसके डिटेल वीडियो बता दिया जाएगा। आरओ का पैटर्न तो आप लोग जानते ही हो, सामान्य अध्ययन और आपके हिंदी से मेन क्वेश्चन होता है, हिंदी निबंध भी होता है। और आपका एलटी ग्रेड का यही पे आपकी चर्चा चल रही है, इसमें तो आपका सब्जेक्ट ही पूछा जाता है। तो तीनों ही बहुत बेहतरीन वैकेंसी आ रही है। और एक चीज और बताऊं, आप तब तक वेट करोगे कि जब आपका विज्ञापन आ जाएगा तब आप तैयारी करना चाहोगे, तो भाई ये लोक सेवा आयोग है, ये आपके ऐसे कोई छोटे मोटे आयोग नहीं है, छोटे मोटे आपका समूह गाया समूह घाकी भर्ती की तैयारी आप नहीं करने चाह रहे हो, ये भी राजपत्रित अधिकारी होगा। यहाँ पे देखा जाए इस बार इसी पे बात चल रही कि नियमावली, और सबसे बड़ी बात है कि अब जो ये होता था कि पहले नियमावली क्लियर नहीं करते थे, वैकेंसीज कोर्ट चली जाती थी, तो वो सारी ही वैकेंसीज अब क्या करें नियमावली के साथ आपके सामने आएंगी, जिसमें ये कोर्ट जाने वाली सब कुछ क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे इसमें देखो कि यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एपीएस की 2010 वाली जो भर्ती थी वो फंस गई थी, 2013 में भी उन्होंने क्या किया था, विज्ञापन वापस ले लिया था। तो अब ये वैकेंसी कितने साल बाद, 10 साल बाद आ रही है, तो बहुत इसमें आप मौका एकदम लगवाइएगा, और इस बार नियमावली के साथ साथ उसी
आपके जो नोटिफिकेशन आता है, विज्ञापन आता है, उसी में नियमावली भी अपडेटेड रहेगी, तो कोर्ट कचहरी का भी समस्या यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही जो मैं आपको बोला था ना कि एपीएस के सचिवालय में अपर निजी सचिव के 730 पद होंगे, वो यही है इसमें से। आप देखो 2023 में कैबिनेट के अनुमोदन के साथ ही अपर निजी सचिव नियमावली के समूह खा के राजपत्रित अधिकारी हो गए हैं, मतलब कि अब जो होंगे ये गेस्टेड हो गए हैं, और इनमें 612 पद से बढ़ा के कितने कर दिए गए, 730 पद कर दिए गए हैं। तो बहुत बेहतरीन आपके चांस है, तैयारी आज से ही लग जाइए। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं जल्द ही इसी चैनल पर आपको अपलोड करूंगा, तो परीक्षा प्लस पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और से कर लीजिए, और अगर मेरी बातों से आपको मदद मिली हो, कुछ आपको एक एनर्जी आई हो, तो कमेंट में मुझे जरूर थम्सअप करिएगा, सेशन को लाइक अवश्य करिएगा। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।